प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछले वीडियो में मेंसुरेशन 8 नंबर की, अलजेब्रा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोण में थी आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर के, संख्यांकी आपके 10 नंबर की यूनिट बाय यूनिट करा रहे हैं, समझा रहे हैं। हम आपको 10th क्लास का टोटल सिलेबस करा देंगे, आराम से घर बैठे बैठे अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें और समझते रहें। ज़रा ध्यान दें, क्वेश्चन क्या है आपका, दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद कीजिए, आपको बिंदु दे रखे हैं। आंसर या सोलूशन देखिए, पहले वाले पॉइंट से एक्स वन बराबर जीरो, वाई वन बराबर जीरो, सेकेंड वाले से एक्स टू बराबर माइनस का चार, वाई टू बराबर जीरो। अब आप देखिए इन मानों को अपने फार्मूले में या सूत्र में किस तरीके से आप रखेंगे। देखिए दूरी बराबर रूट में आपका है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब देखिए अपने आंसर में, सॉरी आगे देखिए, एक्स टू में से एक्स वन निकालेंगे क्या बचेगा, माइनस का चार होल स्क्वायर, इसका लगा दिया, प्लस वाई टू में से वाई वन निकालेंगे, जीरो बचेगा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया। आगे आप देखिए माइनस का चार का होल स्क्वायर है, इसको खोलेंगे तो चार चौक सोलह, प्लस जीरो का होल स्क्वायर है, इसको खोलेंगे तो कितना निकलेगा, जीरो, तो सोलह प्लस जीरो तो कितना हो गया, सोलह, तो सोलह का रूट क्या होता है, चार। ज़रा ध्यान रखें, सोलह का रूट क्या होता है, चार, जो आपका मात्रक में है, जो आपका चार मात्रक, यही आपका आंसर है, सोलूशन है। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट प्राप्त होता रहे।